और दल की बात की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी कल दिल्ली आएंगे, योगी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मंत्रियों के मंत्रालय पर चर्चा करेंगे और उस बैठक के बाद ही मंत्रियों के विभाग का ऐलान किया जाएगा। अरविंद चतुर्वेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी और ज्यादा देश के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कब आना है, कितने वक्त की मुलाकात होगी और क्या ऐलान हो सकता है? मैं आपको ये बता दूं कि कल जो है योगी आदित्यनाथ दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय दोनों से मुलाकात करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चर्चाएं होंगी और सबसे खास बात यह है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का रूट मैप तैयार किया जाए और खासतौर से विकास को लेकर, उसके अलावा किन लोगों को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इस पे भी चर्चा हो। अरविंद, ये भी खबरें मिल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। निश्चित रूप से कन्या, इसे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पिछले जो मुख्यमंत्री थे उनके पास गृह विभाग था और ये बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में ये देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कानून व्यवस्था के लेके बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में गृह विभाग कोशिश होगी कि मुख्यमंत्री उसको अपने पास ही रखें और बाकी जो अहम विभाग है निश्चित रूप से केशव प्रसाद और दिनेश शर्मा में बच्चे के आसार हैं। बिल्कुल, कुछ पोर्टफोलियो अपने पास भी रख सकते हैं, लेकिन कौन कौन से वो पोर्टफोलियो होंगे ये देखना भी बेहद अहम होगा। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। योगी सरकार में मंत्रियों के बीच कामकाज का बंटवारा फिलहाल नहीं हुआ है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को भारी भरकम मंत्रालय दिए जा सकते हैं। योगी सरकार में दूसरे नंबर पर माने जा रहे केशव प्रसाद मौर्य को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर सीएम गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं तो मौर्य को पीडब्ल्यूडी और सिंचाई जैसे बड़े विभाग सौंपे जा सकते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को नगर विकास और वित्त दिया जा सकता है। लखनऊ के मेयर रहे दिनेश शर्मा के पास पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव है। बीजेपी प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा चुके श्रीकांत शर्मा योगी सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग संभाल सकते हैं। वहीं शाहजहांपुर से लगातार आठवीं बार विधायक चुने गए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य विभाग दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में इकलौते मुस्लिम चेहरे मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक कल्याण और हज विभाग दिए जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही आंवला सीट से चौथी बार चुनकर आए धर्मपाल सिंह को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा तीखे तेवर वाली स्वाति सिंह को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रालयों के बंटवारे के साथ ही अफसरों के फेरबदल पर हलचल भी तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो रजनीकांत मिश्रा यूपी के अगले डीजीपी हो सकते हैं, जो जावेद अहमद की जगह लेंगे। वहीं राजीव कुमार को यूपी का नया मुख्य सचिव बनाने की तैयारी है। राजीव कुमार इस समय आपको बता दें केंद्र में तैनात है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र को यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप दी है। नृपेंद्र मिश्र पिछले दो दिनों से लखनऊ में ही डेरा डाले हुए हैं। वो योगी सरकार और पीएम के बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। अब योगी सरकार को प्रधानमंत्री के यूपी प्लान को आगे बढ़ाना होगा, उसका रोडमैप दिल्ली में तैयार होगा और योगी उसका एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी कि उसे लागू करेंगे, और इसे मिशन 2019 से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अंदर की बात यह है कि योगी के चार्ज संभालने से पहले ही नृपेंद्र मिश्रा एक्टिव हो गए थे। यूपी में अफसरों को समय से दफ्तर आने और संकल्प पत्र के साथ आने का निर्देश उन्हीं की तरफ से जारी किया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि चुनावों में किए गए वायदे उनकी निगरानी में ही पूरे किए जाएं। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने लोगों से वादा भी किया था कि मुख्यमंत्री चाहे जो कोई भी हो, वादों को पूरा करवाना उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्राथमिकता होगी, और इसी वादे को वो नृपेंद्र मिश्र के जरिए पूरा कर रहे हैं। जहां तक नृपेंद्र मिश्र की बात है, वो यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने उन्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। शपथ लेने के बाद अगले दिन सीएम आदित्यनाथ योगी ने प्रशासनिक अमले को चुस्त दुरुस्त बनाने का काम किया। उन्हें स्वच्छता की शपथ दिलाने के साथ ही पहले कैबिनेट बैठक के लिए लिए जाने वाले बड़े फैसलों की तैयारी करने का भी उन्होंने आदेश दे दिया। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनावी एजेंडे को लागू कराने के इरादे से आए। दोनों डिप्टी सीएम के बीच बैठे योगी ने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई और 15 दिनों में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा। योगी के आदेश के मुताबिक सारे अधिकारी बीजेपी का संकल्प पत्र अपने साथ लेकर आए थे। इसमें उन सारे वादों का जिक्र है जो बीजेपी ने चुनाव के दौरान किए थे। लोक भवन से पहले योगी ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में डीजीपी, मुख्य सचिव और प्रमुख को दो दो बार बुलाकर बात की।
मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी केशव मौर्य और दिनेश शर्मा से सलाह मशवरा किया गया। प्रदेश में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल भी हो सकता है। अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। आज आदित्यनाथ योगी ने अफसरों को 24 घंटे में संकल्प पत्र पढ़कर उसे लागू करने का आदेश दे दिया है, लेकिन कुछ बड़े वायदों पर फैसला उनकी कैबिनेट को ही लेना है। सबसे बड़ा वादा उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का किया है, इस पर कैबिनेट की पहली बैठक में उन्हें फैसला लेना होगा। वहीं आपको बता दें, गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर ही भुगतान करने का वादा भी बीजेपी ने किया है। सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई का वादा पूरा करना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। अखिलेश सरकार की तर्ज पर लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा फ्री देने का वादा भी पूरा करना आसान नहीं होगा। अखिलेश सरकार ने 45 लाख लैपटॉप बांटे थे। बीजेपी को 24 घंटे बिजली और 15 मिनट में पुलिस पहुंचाने का वादा भी पूरा करना है। राम मंदिर, 3 तलाक और एंटी रोमियो दल पर भी योगी सरकार को अब आगे बढ़ना होगा। अंदर की बात यह है कि पूरे देश में इस वक्त योगी की चर्चा है। गूगल के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा सर्च इस वक्त योगी को लेकर किए जा रहे हैं। ऐसे में योगी के हर कदम पर पूरी देश की निगाहें अटकी हुई हैं। ऐसे में योगी ने शपथ लेने के अगले दिन ही स्वच्छता, ईमानदारी और संकल्प पत्र की घोषणाओं को लागू कराने की ओर कदम आगे बढ़ा दिया है। योगी खुद काम में जुटे हैं और अफसरों को भी काम में जुट जाने को उन्होंने कह दिया है। काम करने के साथ ही जुबान पर लगाम लगाने का भी इंतजाम पहले से ही किया जा चुका है। श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह सरकार के प्रवक्ता होंगे। इसके अलावा मंत्रियों को नाप शनाप बोलने से बचने की भी नसीहत दी गई है।